खेल राज्य मंत्री अशोक चांदा ने शनिवार को बूंदी में कोरोना वायरस को लेकर अधिकारियों की एक बैठक ली, साथ ही संक्रमण से रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मंत्री चांदा ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बूंदी को बचाना हम सबकी पहली जिम्मेदारी है, हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। जिले में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमित केस नहीं आया है, ये बहुत अच्छी बात है। आगे भी कोई संक्रमित न हो ऐसी पूरी तैयारी रखनी होगी। राज्य मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिले में आवश्यक सेवाओं की अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह मीणा ने पुलिस प्रबंधों की जानकारी विस्तार से दी, साथ ही मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने मेडिकल व्यवस्थाओं से अवगत भी कराया। सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जिले में बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारे लिए नई है, नए नए चैलेंजेस हर रोज से आएंगे, वो चैलेंजेस से हमें पार पाना है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम बूंदी जिले को निश्चित रूप से इस महामारी से पूरी तरह से बचा के लेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से फसल खराबा हुआ है, उसका भी अभी सरकार के लेवल पर जैसे जैसे निर्देश आएंगे उसके ऊपर काम करेंगे, किसानों का नुकसान नहीं। अब खबर जालौर के सांचौर से है, जहां पर लॉकडाउन